नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आशुकेश तिवारी और मेरे साथ है सुकेश रंजन और आप न्यूज 24 का खास कार्यक्रम देख रहे हैं। 24 की रेस बताएंगे सुकेश। आज के कार्यक्रम में बात होगी एनडीए अलायंस यानी एनडीए गठबंधन को लेके। हम हमेशा इंडिया अलायंस को लेके बात करते हैं कि कितनी सीट शेयरिंग हुई, कौन कन्वीनर रहने वाला है, क्या कुछ हो रहा है, लेकिन आज थोड़ा अलग बात करेंगे। आज बात करेंगे एनडीए अलायंस को लेके। 38 दलों का बहुत भारी बहुत बड़ा अलायंस है जिसके नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, बहुत बड़ा चेहरा भारत के। सर, अब सवाल यह है कि इंडिया के बारे में तो हमने बात कर ली कि सीट शेयरिंग कैसे हो रहा है, एनडीए में 38 दल है, वहां पर सीट शेयरिंग का क्या बात चल रहा है? नहीं, ये भी बताइए आशुकेश कि इस पे बात क्यों कर रहे हैं जी। अधिकतर जब आप बात करते हैं तो जो कॉन्टेस्ट में है जी, जो चैलेंज कर रहा है, जो चैलेंजर है, उसकी बात ज्यादा करते हैं। तो एक बहुत बड़ा वर्ग इस बात से खफा होता है कि आप इंडिया ब्लॉक में क्या खिचड़ी पक रही है, इनकी इनसे नहीं बन रही, यहां सीट शेयरिंग नहीं हो रही जी। स्टेट वाइज आप बताते हैं तो एनडीए के बारे में भी बताइए कि वहां क्या स्थिति है। तो इसलिए ये बताना जरूरी है कि एनडीए दरअसल कहां खड़ा है आज की तारीख में जी। एक बेसिक प्रमाइस के साथ इसको शुरू करना चाहिए कि कोई भी दल जब बहुत बड़ा होता है जी, वह बहुत इंपोजिंग होता है, तो उसके लिए सीट शेयरिंग से लेकर तमाम चीजें आसान हो जाती हैं। और जो दल इनके साथ जुड़े हैं, एनडीए के साथ, वो छोटे छोटे दल हैं, वो बहुत बार्गेनिंग पोजीशन में नहीं है। वो कई बार नरेंद्र मोदी की वेव पे ही अपने आप को जीतकर संसद में देखना चाहते हैं जी। इंडिया ब्लॉक के साथ परेशानी दूसरी है। तमाम बड़े नेता, चाहे लालू यादव हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो, शरद पवार हो, जितने छत्रप हैं वो सब एक तरफ हैं, अखिलेश यादव हो, तो वो लायन शेयर चाहते हैं जी। वो अपने अपने स्टेट्स में बहुत मजबूत है जी, तो इसलिए वहां दिक्कतें होगी। लेकिन खैर, आज आप एक एक करके बताते हैं लोगों को कि इंडिया ब्लॉक में, माफ कीजिएगा, एनडीए ब्लॉक में कहां कहां हिच है, कहां फाइनल हुआ, कहां नहीं हुआ। तो जो सबसे प्रमुख राज्य है वहीं से शुरू कर देते हैं जी। उत्तर प्रदेश से शुरू कर दे, 80 सीट। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। आपको मालूम है 14 में 71 बीजेपी अपने दम पे जीती, दो उसके पार्टनर जीते, 73। परफॉर्मेंस थोड़ी खराब हुई, तब भी 62 जीते बीजेपी ने खुद अपने दम पे, उसके सहयोगी अलग। उपचुनाव में संख्या और बढ़ गई। लेकिन आज की तारीख में यूपीए में एनडीए कहां है? उन्होंने रोपिंग किया है असेंबली चुनाव के बाद, उन्होंने इस पे काम करना शुरू किया कि हर रीजन से, खासतौर पे जो ईस्टर्न यूपी है उसको स्ट्रेंथन करना जरूरी है, क्योंकि उस इलाके में समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। एकाध जिले तो ऐसे हैं जहां बीजेपी को एक भी सीट नहीं आई। तो तीन प्रमुख पार्टनर उत्तर प्रदेश में है, सबको मालूम है, अनुप्रिया पटेल, राजभर और निषाद जी। क्या सीट बंटवारा हो गया इनमें? सीट बंटवारा नहीं हुआ है। कौन कितनी सीटें मांग रहा है और बीजेपी ने अभी तक वहां क्या बात की है, एक एक करके ये जान लेते हैं। अनुप्रिया पटेल की पार्टी, वो पिछली बार दो सीटें जीती लड़ी थी, इस बार वो चार सीटें मांग रही हैं। वो चार सीटें इसलिए मांग रही हैं, वो बार्गेनिंग पोजीशन में अपने आप को देखती इसलिए है क्योंकि वो जिस बिरादरी से आती है, कुर्मी जाति से, नीतीश कुमार इंडिया ब्लॉक में एक अहम भूमिका में नजर आ रहे हैं जी। अभी हाल में उनकी एक रैली भी होने वाली थी बनारस में जी। तो वो कुर्मी वोट को इंटैक्ट रखने के लिए, अति पिछड़े में जो कुर्मी है, वो कुर्मी वोट को इंटैक्ट रखने के लिए उन्होंने चार सीटें मांगी ठीक। प्रतापगढ़ वो पहले जीते थे, प्रतापगढ़ उनके खाते में नहीं है, और जो सीटें वो मांग रही हैं उनकी सीटें मुझे याद है इसलिए बता देता हूं। वो मिर्जापुर मांग रही हैं, सोनभद्र मांग रही हैं, बांदा मांग रही हैं, प्रतापगढ़ मांग रही है, चार सीटें। बीजेपी दो सीटों पे लड़ती थी, मुझे लगता है दो सीटें देना चाहती है जी। तो कागज पे अगर देखा जाए तो हिच यहां भी है,
गठबंधन में बात अभी पूरी हुई नहीं है जी। आइए दूसरे नंबर की पार्टी पे चलते हैं, राजभर। राजभर इंस्ट्रूमेंटल हैं अपने इलाके में, जैसा कि मैंने पहले कहा कि जब वो अखिलेश यादव के साथ थे तो उन्होंने वोट मल्टीप्लायर का काम किया। वो 3 सीटें मांग रहे हैं लोकसभा की। वो मऊ वाला जो इलाका है वो उस इलाके से सीटें चाहते हैं। मेरी जानकारी में बीजेपी उनको 1 देने को तैयार है, शायद 2 दे। प्रधानमंत्री के स्तर पर फैसला होगा क्योंकि वो इलाका जो है प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के आसपास आता है जी। तो 3 सीटों पे उन्होंने दावेदारी ठोकी है, वहां भी फाइनल नहीं है। आ जाइए तीसरी पार्टी, निषाद की पार्टी। उनका बेटा सांसद है लेकिन बीजेपी के सिंबल पे। इस बार वो भी कहते हैं, कई बार 2 सीटें, कई बार कहते हैं 3 सीटें लड़ूंगा जी, क्योंकि उनको लगता है कि जातिगत जनगणना के बाद जो अति पिछड़े हैं उनको अपना शेयर चाहिए। बीजेपी प्रेशर में होगी और उस प्रेशर का इस्तेमाल करना चाहिए जी, उसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखना चाहिए। अभी तय नहीं है कि उनको सीटें, उनका जो बेटा है वो बीजेपी के सिंबल से लड़ेगा या अपने सिंबल पे लड़ेगा, और भी सीटें बीजेपी उनको देगी कि नहीं। तो 3 प्रमुख दल हैं, तीनों के साथ सीट बंटवारा अभी तय नहीं हुआ है, यूपी में अभी अधूरा है। बिहार में आ जाइए, LJP 6 सीटें लड़े थे, 6 के 6 जीते थे। याद करिए, 17 JDU, 17 BJP, 6 सीटें LJP। 17 BJP जीती थी, 17 की 17, 6 की 6 जीती थी LJP, और 17 में से 16 जीती थी JDU। अब JDU पाला बदल चुकी है। नए पार्टनर्स जो हैं वो 2 और आ चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी NDA फोल्ड में है, माझी भी NDA फोल्ड में है जी। माझी महादलित वर्ग को रिप्रेजेंट करने के लिए आए हैं, उनको उस तरीके से पेश किया जाएगा, उनको भी प्लेकेट करना जरूरी है। उपेंद्र कुशवाहा कोयरी समाज से आते हैं, आज तक कुर्मी और कोयरी दोनों साथ वोट करते आए, वो नीतीश कुमार को अपने नेता मानते रहे हैं। ये एक ऐसा मौका है जब उपेंद्र कुशवाहा अपनी कुछ करामात दिखा सकते हैं। हालांकि जो प्रदेश अध्यक्ष है सम्राट चौधरी, उसी बिरादरी से आते हैं। तो बीजेपी ने उस वोट बैंक पे, EBC पे नजरें गड़ाई, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को लिया है तो उपेंद्र कुशवाहा भी अपने लिए सीटें मांगेंगे। और LJP 2 हिस्सों में बटी हुई है जी, चाचा और भतीजे की पार्टी। आज की खबर है कि हाजीपुर में एक रैली की है रामविलास पासवान के बेटे ने, चिराग पासवान। वो अभी तक जमुई से सांसद है, कहा जा रहा है कि वो हाजीपुर से लड़ना चाहते हैं, क्योंकि लेगेसी जो है वो उनके पास होनी चाहिए। हाजीपुर से वर्तमान सांसद जो है वो पशुपति पारस है, जो केंद्र में मंत्री है। 5 सांसद उनके साथ चले गए थे, अकेले बचे थे चिराग पासवान। यहां चुनौतियां क्या है, उन दोनों को एक टेबल पे लेके आना। अगर वो दोनों अलग अलग लड़ते हैं और दोनों NDA के पार्ट होते हैं तो दोनों को इतनी सीटें देना कि दोनों संतुष्ट हो जाए, वो काम अभी नहीं हुआ है। हाजीपुर ही नहीं बटा अभी तो, बाकी छोड़ दीजिए। उपेंद्र कुशवाहा, वो जब UPA, पुरानी UPA में थे तो 2 सीटें तो खुद ही लड़े थे, 4 या 5 सीटें मिली थी उनको, जीत नहीं पाए लेकिन सीट लड़े थे वो। अब वो इस तरफ है, अब वो अपने लिए 3 मांगते हैं, कितना मांगते हैं, कितना मिलता है, वो फैसला होना बाकी है। माझी की पार्टी ये कहते हुए अलग हुई कि ये फोर्स कर रहे थे नीतीश कुमार कि हमारी पार्टी में अपनी पार्टी का विलय कर लीजिए, वो अपना एग्जिस्टेंस चाहते हैं तो वो भी मांगेंगे, तो वो भी अपनी सीटें मांगेंगे। वो 1 मांगे 2 मांगे, बटनी 40 में से है, 17 सीटें तो जीती हुई सीटें हैं बीजेपी की। बीजेपी एक फर्दर इनरोड बनाना चाहती है तो वो मैक्सिमम सीटों पे लड़ना चाहेगी जो JDU ने छोड़ा है। तो आखिर कितना इनको देगी ये देखना पड़ेगा, कौन सी सीटें देगी ये देखना पड़ेगा, विनिंग प्रोपोजिशन कहां कहां आता है ये देखना पड़ेगा। अब इस पे काम हो रहा होगा लेकिन सीटें अभी बटी नहीं, बात वहां भी अधूरी है। तो 80 और 40 की बात तो मैंने कर दी,
120 सीटों पे अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। इसके पहले कि कोई दूसरा सवाल पूछे, मैं महाराष्ट्र बता देता हूं जल्दी से। जी, महाराष्ट्र बहुत ट्रिकी है, आपको मालूम है 48 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र एक ऐसा प्रदेश है जो बड़ी संख्या में सांसदों को भेजता है। 42 जीती थी एनडीए, 25 लड़ी थी बीजेपी, 23 लड़ी थी शिवसेना। अब शिवसेना टूट चुकी है। शिवसेना के टूटने के बाद जो शिंदे गुट, शिंदे मुख्यमंत्री हैं, जो शिंदे गुट है वो कह रहा है कि हमारे हिस्से की 23 जो थी शिवसेना वाली वो हमें दे दीजिए, बीजेपी के लिए अनएक्सेप्टेबल है, 23 तो नहीं दे सकते। और अब जबकि विधानसभा में फैसला उनके हक में आ गया है तो वो इम्बोल्डन है। उन्होंने कल ही एक और करामात किया, मिलिंद देवरा को उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल करा लिया, तो वो बीजेपी पे इंटरनल एक प्रेशर जो होता है गठबंधन में वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी जानकारी में बीजेपी उनको 12 से 14 सीटें देना चाहती है, 23 से घटाकर, वो एक चैलेंज है। एक दूसरा तोड़फोड़ और हुआ है वहां, सबको मालूम है शरद पवार की पार्टी टूट चुकी है। वो 19 सीटों पे लड़े थे पिछली बार, 4 जीते थे मेरे हिसाब से, लड़े थे 19, जीते तो 4 ही थे। अजित पवार जब अलग हुए हैं जी तो 3 सांसदों के साथ गए हैं वो, सिर्फ सुप्रिया सुले जो लोकसभा की सांसद है वो मौजूद हैं अभी फिलहाल, शरद पवार अपने अपने फादर के साथ है, अपने अपने पिताजी के साथ है, बाकी 3 उस तरफ है। तो अजित पवार अपने लिए 14 सीटें मांग रहे हैं, 25 सीटें बीजेपी लड़ती थी तो 23 में बटनी है या 25 में से अपने में से कुछ देना है, ये भी तो 25 में से बीजेपी फर्दर अपनी सीट्स घटा के अपने सहयोगियों को एकोमोडेट करे, ऐसा तो होने से रहा, तो 23 में बटनी है, कितनी जाएगी शिंदे को, कितनी जाएगी अजित पवार को, ये देखना बाकी है। बिल्कुल, तो जो एनडीए के क्रिटिक है वो कह सकते हैं कि फिर तो अब उत्तर प्रदेश में भी तय नहीं है, बिहार में भी तय नहीं है और महाराष्ट्र में भी तय नहीं है, और 120 और 48 लगभग 168 सीट, लगभग नहीं 168 सीट, 168 सीटों की हमने व्याख्या कर दी, जिसमें अभी तक फाइनल ये नहीं है कि कौन कितनी लड़ेगा। लेकिन ये बात फिर से बता दूं कि बीजेपी यहां डोमिनेंट पार्टी है, बाकी जगहों पे कांग्रेस बहुत मजबूत नहीं है, बिहार में कांग्रेस मजबूत नहीं है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मजबूत नहीं है, बंगाल जहां चर्चा हो रही है टीएमसी के साथ गठबंधन की, बंगाल में कांग्रेस मजबूत नहीं है, विधानसभा में उनकी 0 सीटें हैं, 1 जो जीती थी कांग्रेस ने बाईपोल वो भी टीएमसी में चला गया। तो मैंने 168 सीटें बता दी जिसपे स्थिति क्या है आपके सामने है। ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जिसकी चर्चा मैं कर सकता हूं जहां एनडीए को सीट फाइनलाइज करनी है, बैकडोर जो बैकरूम ऑपरेशन में लोग होते हैं वो लगे हुए हैं, बातचीत वो बातचीत चल रही होगी, लेकिन 38 दलों का गठबंधन जो एक बड़ा बनाया वो भी जब इंडिया ब्लॉक बना था तो उसके बाद उसी दिन एक शाम में एक एनडीए की बैठक हुई जिसमें बताया गया कि 38 दल हैं, आपके पास 26 है, हमारे पास 38 है। मैं आगे आपको बताऊंगा कि नॉर्थ ईस्ट में अधिकतर दल नॉर्थ ईस्ट से आते हैं और नॉर्थ ईस्ट में स्थिति क्या है। मतलब बेसिकली हम बात लोकसभा चुनाव को लेकर कर रहे हैं और पार्टियों के सीट शेयरिंग को लेकर कर रहे हैं, यानी चुनाव से रिलेटेड है। अगर आप हमारे वीडियोस देखते हैं तो यानी आप राजनीति को पसंद करते हैं, और अगर आप राजनीति को पसंद करते हैं तो आप कुकू एफएम की इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया सुन सकते हैं। ये लिंक, इस किताब का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ये एक ऑडियो बुक है, आप जाइए उस लिंक पे क्लिक कीजिए, बहुत सारे एपिसोड्स मिलेंगे, उस एपिसोड्स को सुन के आप भारतीय चुनाव के बारे में और ज्यादा जान सकते हैं, उसके प्रोसेस, पार्टियों के बारे में, कब से हो रही है, कैसे हो रही है। अगर आप कुकू एफएम के बारे में जानते हैं तो इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, अगर अभी तक आपने इसका सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो उसका भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उस पर क्लिक करके जाके सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। अगर आप हमारे कूपन कोड से उसका सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 50% का ऑफ मिलेगा, आप हमारा कूपन कोड यूज कीजिए NW50, जिससे आपके सब्सक्रिप्शन में 50% का आपको डिस्काउंट मिलेगा, यानी जो 99 रुपए का आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं वो आपके लिए 49 रुपए का हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं नॉर्थ ईस्ट के बारे में।
अब नॉर्थ ईस्ट है, अब नॉर्थ ईस्ट में सीटें आशुकेश 25 है जी, लेकिन अधिकतर संख्या जो जुटाई गई वो नॉर्थ ईस्ट से जुटाई गई, क्योंकि गठबंधन बड़ा दिखाना था जी, और ये दिखाना था कि गठबंधन दरअसल हमने शुरू किया ये वाजपेयी एरा से। उस दिन वाजपेयी को इन्वोक किया गया कि वाजपेयी एरा से ही गठबंधन का दौर, सफल गठबंधन का दौर सामने आया, जब रीजनल एस्पिरेशन को जगह मिली केंद्र के स्तर पे। अब सीटें वहां 25 है, लेकिन वहां की वहां के कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत है। 25 में 14 तो असम से ही आती है जी, बीजेपी वहां पिछले दो चुनाव से अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन वहां की कॉन्ट्रडिक्शंस बताना जरूरी है, चूंकि हम छोटे दलों के बारे में इंडिया की कॉन्ट्रडिक्शंस बताते हैं जी। अब जैसे हाल के दिनों में मिजोरम में चुनाव था, जोरमथंगा वहां सीएम है, मणिपुर में जिस तरीके से घटनाएं हुई हैं, उन्होंने कहा कि मोदी के साथ हम मंच शेयर नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री को यहां अगर आते हैं तो हम मंच शेयर नहीं करने वाले। गठबंधन में है वो, लेकिन फिर भी दूर, लेकिन एक दूरी, एक डिस्टेंस बना के रखना जरूरी है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की पॉलिटी दूसरी है, जो काउ बेल्ट है उसकी पॉलिटी दूसरी है। एक कॉन्ट्रडिक्शन, मैं सीटों की बात छोड़ देता हूं, चूंकि मैंने बताया 25 सीटें नॉर्थ ईस्ट में है, 14 तो सिर्फ असम में है, बाकी एक एक दो दो सीटें हैं मणिपुर से लेकर त्रिपुरा से लेकर मिजोरम से लेकर नागालैंड, नागालैंड हाँ, लेकिन आपको कॉन्ट्रडिक्शन अगर जानने हैं तो ये बात जरूरी है। जैसे नागालैंड की पार्टी है एनडीपीपी, नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, मेघालय की कोनार्ड संगमा, उनकी सरकार है, बीजेपी उस सरकार में है, बीजेपी उसको एनडीए का सरकार मानती है जी। ये बात अलग है कि उनपे भ्रष्टाचार के बहुत सारे आरोप चुनाव के पहले लगाए थे, लेकिन अब वो सरकार में है। ये दोनों बीजेपी की जो एक यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये दोनों पार्टियां मुखर तौर पे इसकी खिलाफत कर चुकी है। अब बीजेपी जो रेस्ट ऑफ इंडिया में यूसीसी कराना चाहती है या कराना चाहे ना चाहे, उसका एक बड़ा प्लैंक यूसीसी है, वो नॉर्थ ईस्ट में इन पार्टियों को नाराज नहीं कर सकती। सीटें कौन कितनी लड़ेगा नहीं लड़ेगा, सीटें कम है उसको छोड़ दीजिए, लेकिन दोनों ने ये बात कही है कि ये आइडिया ऑफ इंडिया जो है उसके खिलाफ है यूसीसी, लेकिन बीजेपी उनके साथ है। जैसे शिवसेना और उद्धव गुट की शिवसेना और कांग्रेस आज की तारीख में साथ है जी। शिवसेना इस बात पे बहुत श्रेय लेती है इस बात का कि जो 6 दिसंबर 1992 को जो वहां हुआ अयोध्या में, वो उस पर फख्र है हमें, और वो बाला साहब ने किया, वो हिंदू हृदय सम्राट थे, हिंदुत्व की राजनीति हम करते हैं, लेकिन आज की तारीख में वो कांग्रेस के साथ है। ये डाइकोटमी देखिए और ये कॉन्ट्रडिक्शंस देखिए पॉलिटिक्स की, कि वो दोनों आज की तारीख में साथ है, जैसे यूसीसी का मुखर विरोध करने वाली पार्टियां आज की तारीख में बीजेपी के साथ है, वो वहां खुलकर विरोध करती हैं, बीजेपी उत्तराखंड से लेकर गुजरात से लेकर हिमाचल से लेकर तमाम जगह यूसीसी की बात करती है कि हम लागू करने वाले। ये बात हो गई नॉर्थ ईस्ट की जी। अब कर्नाटक साउथ, नया नया साउथ, 131 सीटें हैं साउथ में, मैं डिटेल आज एनालिसिस कर दूं, और जहां जहां एनडीए के पार्टनर्स हैं उन सबकी चर्चा करना चाहता जी, जब एक बार बात हो गई है तो सबकी चर्चा हो जाए। कर्नाटक में नए पार्टनर जेडीएस है जी, ये आनंद फानंद में ये फैसला लिया गया, क्योंकि कर्नाटक में बहुत थंपिंग मेजोरिटी के साथ कांग्रेस जीती, और कर्नाटक जब कांग्रेस भी सरकार में थी तो बीजेपी का पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में आम चुनावों में बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया था जी। इस बार उनको अपना किला बचाना है, और ऐसे आपको मालूम है
मैं साउथ का और वर्णन करूंगा, लेकिन 131 में कर्नाटक को छोड़ दीजिए तो कहीं साइजेबल। तेलंगाना में पिछली बार 4 सीटें थी, लेकिन तेलंगाना में इस बार कांग्रेस ने फिर अच्छा परफॉर्म किया है। वहां तेलंगाना में क्या होगा देखने वाली बात है। तो कर्नाटक और तेलंगाना, यहां कर्नाटक में तो खैर तब भी ठीक ठाक प्रेजेंस था, चूंकि वहां अपनी सरकार भी रही है बीजेपी की और लोकसभा के चुनाव में भी उनको सीटें आते रही हैं। लेकिन 131 जो सीटें हैं कुल मिलाकर, उसमें कर्नाटक और तेलंगाना की 4 सीटों को अलग कर दीजिए तो वहां बहुत प्रेजेंस नहीं, साइजेबल प्रेजेंस बीजेपी की नहीं है। प्रधानमंत्री आज साउथ के दौरे पे हैं, ऑपरेशन साउथ में लगे हैं वो। लेकिन जेडीएस के साथ जो समझौता हुआ है वहां किसी कंक्लूजन पे अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। जेडीएस कितनी सीटें लड़ेगी, जेडीएस बहुत कमजोर स्थिति में है आज की तारीख में जी। लेकिन पॉकेट्स में, मैसूर के पॉकेट्स में जहां वो बहुत मजबूत बताई जाती है, वो कलिगा की का एक बड़ा वर्ग है जिसके जिसका वोट बैंक कहा जाता है कि वो जेडीएस ने अपने पास रखा है, जिससे डीके शिव कुमार भी आते हैं, उसमें इनरोड बनाने की कांग्रेस ने भी कोशिश की है, उनको ऑन बोर्ड लेना चाहती होगी बीजेपी, इसलिए जेडीएस के साथ गठबंधन किया है जी। लेकिन सीटें कितनी 29 में तय नहीं है, 28 शायद 28 सीटें हैं, 28 कर्नाटक में कितनी सीटें लड़ेगी तय नहीं है। बात कहां तक पहुंची मालूम नहीं है, जैसे कि इंडिया ब्लॉक में मालूम नहीं है। वैसे आगे बढ़ जाइए, आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू के साथ गठबंधन हो रहा था, लेकिन कहां है गठबंधन नहीं पता। आज की तारीख में चंद्रबाबू नायडू एनडीए के साथ तो नहीं है। जगमोहन मुद्दों पे पार्लियामेंट में कई बार आप बीजेपी के साथ देखेंगे उनको, कई बार राज्यसभा में बेल आउट करते हुए भी आपको दिखेंगी, लेकिन क्या वो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में, आम चुनाव में बीजेपी के साथ है अभी तक क्लैरिटी नहीं है। ये मैं आंध्रा की बात कर रहा हूं जी। तेलंगाना मैंने ब्रीफली बता दिया कि 4 सीटें वहां है, वहां कोई पार्टनर नहीं है। क्या पिछली बार का परफॉर्मेंस रिपीट होगा क्या, देखने वाली बात होगी। अभी ताजा वहां कांग्रेस सरकार बनी की सरकार बनी है, वहां टीआरएस कमजोर हुई है, लेकिन क्या एट द एक्सपेंस ऑफ कांग्रेस बीजेपी वहां अच्छा कर पाएगी, कांग्रेस को पछाड़ते हुए टीआरएस की जगह क्या बीजेपी लेगी, मुश्किल लगता है। आ जाइए तमिलनाडु, तमिलनाडु में एआईडीएमके जो है उसने ये घोषणा कर दी, वो पहले एनडीए के पार्टनर थे, तो तमिलनाडु में पिगी बैक बीजेपी एआईडीएमके के बल पे कर रही थी। जो हालिया बयान है मैंने कहीं पढ़ा अक्टूबर का, बीच में एक बार खबर आई कि वो चले गए हैं एनडीए से, फिर खबर आई कि नहीं साथ हैं। अक्टूबर 24 का एक बयान है, द पार्टी विल नॉट हैव एनी अलायंस विद द बीजेपी नॉट ओनली इन 2024 लोकसभा इलेक्शंस बट आल्सो इन द 2026 स्टेट असेंबली इलेक्शंस। मतलब 39 सीटों वाली जो तमिलनाडु है उसमें गठबंधन नहीं है कि नहीं, वो तय नहीं है, अभी तक नहीं है। और जैसे और जो 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 मूव दिख रहा है एआईडीएमके का, वो बीजेपी के साथ जाने वाला नहीं दिख रहा, तो वहां भी तय नहीं है जी। ये मैंने साउथ की बात कर ली, बीच में पंजाब छूट गया था, पंजाब की चर्चा कर लीजिए। पहली बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों मिल गई। चंडीगढ़ में मेयर अब आम आदमी पार्टी का होगा, डिप्टी मेयर कांग्रेस का होगा। बहुत टॉमटम कर रही है इंडिया ब्लॉक, ये पहली इंडिया वर्सेस एनडीए लड़ाई थी, इंडिया जीत गई। ये छोटी सी जीत को वो बहुत बड़ा बनाकर दिखाना चाहते हैं, पॉलिटिक्स नैरेटिव का गेम भी होता है, परसेप्शन बनाया जाता है, तो वो परसेप्शन बनाने की कोशिश हो रही है। ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का कोई समझौता पार्लियामेंट के इलेक्शंस में नहीं होगा, वो कोई स्पेस नहीं छोड़ना चाहते हैं अपोजिशन के लिए, खासकर पंजाब में 13 सीटें हैं पंजाब में। अब वहां पहले अकाली दल के साथ बीजेपी का गठबंधन था, वो टूट चुका है, वो दोनों साथ आएंगे क्या, अभी तक कोई
ऑफिशियली इस बात की घोषणा नहीं हुई है, चर्चा पर्दे के पीछे कई बार सुनने में आई है लेकिन वो चर्चा नहीं हुई है। और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ठीक ठाक पार्टियां हैं, 13 में से 8 सीटें पिछली बार कांग्रेस वहां जीती थी लेकिन असेंबली के चुनाव में सुपड़ा साफ हो गया, सबका सुपड़ा साफ आम आदमी पार्टी ने कर दिया जी, वो 93 सीटें जीतकर वहां सरकार में आ गई, तो वो कांग्रेस के साथ फ्रेंडली फाइट कर लेना चाहती है। ऐसे में पंजाब भी जो है वो तय नहीं है कि बीजेपी अकाली के साथ है, अकेले है, अकेले है तो कितनी मजबूत है। तो कागज पे अगर आप इस तरीके से देखना चाहें तो मैंने एक एक स्टेट जहां अलायंस है बीजेपी का वो आपको बता दिया, लेकिन फिर से ये बताना जरूरी है कि बीजेपी एक डोमिनेंट पार्टी है, बीजेपी के पार्टनर्स छोटे हैं, बीजेपी के काउ बेल्ट में अपने दम पे इतनी सीटें हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश ले लीजिए, छत्तीसगढ़ ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, हरियाणा ले लीजिए, बिहार में भी उसकी बहुत अच्छी प्रेजेंस है, यूपी में अपने दम पे वो बहुत जीतती है, इसलिए सीटों के मामले में वो बहुत पीछे रह जाएगी इन गठबंधन न करने के बाद भी, ऐसा कहना मुश्किल है जी। लेकिन गठबंधन एक मजबूरी है, एक जरूरत भी है, इसलिए बीजेपी वो गठबंधन करना चाहती है। वाजपेयी ने अपने जमाने में साउथ से भी गठबंधन किया, डीएमके उनके पार्टनर थे, टीडीपी उनकी पार्टनर थी, जिस एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस से बहुत दूरियां हो गई हैं, वाजपेयी की सरकार में उनके मंत्री थे उमर अब्दुल्ला, तो उस समय वो पार्टी पैन इंडिया पार्टी नहीं थी, उस समय बीजेपी का इतना प्रचंड ग्रुप जो अभी फिलहाल जो जनता का समर्थन था वो नहीं दिखता था, इसलिए वो सबको साथ लेकर चलना चाहती थी, और उस समय ऐसा था कि जो पार्टनर्स थे वो उसको संबल देते थे। आज की तारीख में कई बार बीजेपी को ये लगता है कि हम संबल देते हैं अपने पार्टनर्स को, वो रेसिप्रोकल होता है फिर गठबंधन लंबा चलता है। चूंकि ये डोमिनेंट पार्टी है इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि लोग ये जानना चाहते थे कि भाई एनडीए में जो खटपट है उसकी चर्चा क्यों नहीं, उसकी चर्चा की, लेकिन इस नोट के साथ इसको खत्म कर रहा हूं कि बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, बीजेपी जिन स्टेट्स में जीतती है बहुत मैसिव तरीके से जीत रही है, वो नंबर्स बहुत ज्यादा है, उसका स्ट्राइक रेट कांग्रेस के खिलाफ 90 से ऊपर है, जहां जहां वो सीधी फाइट में है करीब 200 सीटों पे, इसलिए उनकी उनका ये गठबंधन और उसमें जो ग्लिचेस है उसकी चर्चा कम होती है, जिसकी चर्चा आज हमने की। मतलब बेसिकली ये बात साफ है कि एनडीए में सबसे बड़ा दल बीजेपी और उसके पास ऐसी डोमिनेंस पावर है सीटों को लेके जो शायद इस सीट शेयरिंग को उसके लिए आसान बना देगा, लेकिन इंडिया में सभी दल अपने आप में अपना एक पक्ष, अपना एक जगह खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, और सबके पास कोई उनमें इतना बड़ा दल नहीं है जिसकी वजह से कि एक डोमिनेंस दिखे, लेकिन यहां दिख रहा है। आज हमने आपको बताया एनडीए की सीट शेयरिंग के बारे में। वीडियो कैसा लगा कमेंट में।